Guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन डियर एक क्वेश्चन है जो हम लोगों की एक वीडियो 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर सिक्स उसमें हमसे मिस्टेक हो गई है और हमने वहां पर आपको हाईलाइट किया है कि वहां मिस्टेक हो गई है, तो उसी की करेक्शन हमने आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स की यहाँ दी है. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए. और इस जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हमने जनरली कोशिश करी है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्लियर हो जाए और पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाए. तो आप देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डियर तब तब होगी जब आपके पास न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी या इक्वल हो डिनोमिनेटर की पावर के. क्या बोला हमने? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाती है? जब डिनोमिनेटर की जो पावर है न्यूमिनेटर की पावर, या फिर ऐसे कह सकते हैं न्यूमिनेटर की जो पावर है वो इक्वल है या फिर ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर की पावर से. राइट अगर ऐसा है तो वो फ्रैक्शन आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और डिवाइड कर आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. और उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं वहां पर? पार्शियल फ्रैक्शन. तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो वन है 7.5 का सिक्स जो कि हम करेक्शन के तौर पर आपको दे रहे हैं, तो क्या है इसके अंदर आप देख सकते हैं. दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो यह जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है यानी टू है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो आपके पास पॉलिनोमियल लाइन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है? टू. तो आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है डियर, क्योंकि यहां पर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. सेम पॉलिनोमियल में भी होता है. अगर न्यूमिनेटर की जो पावर है वो छोटी है डिनोमिनेटर की पावर से तो दैट फ्रैक्शन आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अभी फिलहाल ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम इसे प्रॉपर बनाना चाहते हैं. उससे पहले एक काम हमने और कर लिया, वो कोई जरूरी नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं. नेगेटिव जो है हमने न्यूमिनेटर में से भी कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से भी, ताकि आपके पास स्क्वायर वाले पावर्स पहले आ जाएं और छोटे पावर्स नीचे आ जाएं. तो ये माइनस से माइनस कट गया. आपके पास ये है, इसे भी आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से मैच कर रही है, छोटी होनी चाहिए वो. तो ठीक है हम डिवाइड करते हैं. और एक बात याद रखिएगा डियर, ये भी बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर वाला अंदर रखें या नीचे वाला, तो हमेशा याद रखिए ऊपर वाला ही आपके पास अंदर आता है. यू ए इससे याद कर सकते हैं, चाहे छोटा है या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऊपर वाला हमेशा डिवीजन में क्या आएगा? अंदर. और नीचे वाला हमेशा क्या होगा? आपके पास बाहर आएगा यू ए. तो अब डिवाइड करते हैं. अब देखिए हमें यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए और हमारे पास क्या है? टू एक्स स्क्वायर. तो अगर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और हमारे पास टू एक्स स्क्वायर है तो इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाए? तो अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर आ जाएगा. राइट तो हम इसे ऐसे भी निकालते हैं. इसका फर्स्ट डिजिट ले लीजिए, इसका फर्स्ट डिजिट ले लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ. तो हाफ हमने यहां लिखा, हाफ को टू एक्स स्क्वायर से करा तो आ गया एक्स स्क्वायर, हाफ को माइनस एक्स से करा माइनस हाफ एक्स आ गया. इसके नीचे नहीं रख सकते क्योंकि ये इसकी लाइक टर्म नहीं है. अब साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का प्लस. इसके साइन चेंज नहीं होंगे, जो आपने सेकेंड टर्म लिखी है सिर्फ उसी के साइन चेंज होते हैं. तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया. अब आपके पास जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आपके पास बची है वो आएगी विच इज प्लस हाफ एक्स, ये नया साइन है इसका, एंड माइनस वन. नाउ दिस इज रिमाइंडर. क्यों रिमाइंडर है? क्योंकि यहां पर एक्स की पावर टू है और ये एक्स की पावर वन है, छोटी पावर आ गई तो आपके पास क्या है? रिमाइंडर. अब प्रेजेंट हम कैसे करेंगे इसको? क्यू आर डी, क्यू आर डी दैट इज क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइजर. दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर डिवाइजर, क्यू आर डी. तो इसी तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे. देख सकते हैं आप दैट इज क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. अब अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई कर देते तो ये हाफ डीएक्स अलग हो गया और इस पर हमने अलग लगा दिया हाफ. राइट और यहां पर हमने एलसीएम ले लिया पहले, ये आप देख सकते हैं ये आपके पास हो जाएगा एलसीएम लेकर टू एक्स माइनस टू, और जो ये हाफ है ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, दिस इज बिकम एक्स माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो ये तो बड़े इजिली सॉल्व हो गया. हाफ बाहर ले लीजिए, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? एक्स होता है.
यहां पर हमें जो है वो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी, तो इसे हमने आई वन ले लिया अलग से सॉल्व करने के लिए, तो आई वन ले लेते हैं। अब आपको इसको दोबारा स्प्लिट कर दीजिए एक्स टू एक्स माइनस वन। यहां आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला करा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला नहीं सॉरी आपने करा हुआ है कि जो न्यूमिनेटर है उसे आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव राइट इन टू ए प्लस बी, ये आप न्यूमिनेटर के इक्वल लिख सकते हैं जब नीचे क्वाड्रेटिक चल रहा हो और ऊपर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हो लेकिन कोफिशियंट अलग हो, और पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लगा रहे हैं, तो देखिए हमने इसे लेट कर लिया ए अपॉन एक्स एंड दैट इज बी अपॉन टू एक्स माइनस वन। नाउ टेक एन एलसीएम, एक्स भी आ जाएगा टू एक्स माइनस वन, तो इसे एलसीएम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू एक्स माइनस वन, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने टू एक्स माइनस वन। इसे x से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एलसीएम बनाने के लिए, तो b को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x माइनस टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्स वाली टर्म को एक साथ कर दीजिए दैट इज टू ए प्लस बी, एक्स कॉमन हो गया माइनस ए। नाउ ऑन कंपेरिजन एक्स का कोफिशियंट है टू ए प्लस बी और यहां एक्स का कोफिशियंट क्या है वन, तो टू ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू वन, और यहां माइनस की जगह माइनस है और a कॉन्स्टेंट है और यहां पर कॉन्स्टेंट क्या है टू, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास टू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इसे इस इक्वेशन में रखकर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ गई डियर आपके पास माइनस थ्री। अब देखिए ये चीज हमने इसके इक्वल लेट करी थी, तो इसका मतलब बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दी तो दोनों सेम बात है, तो हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाया और ए और बी की वैल्यू भी डाल दी, ए की वैल्यू आपके पास टू और बी की वैल्यू है माइनस थ्री। नाउ टू को बाहर लिया वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, थ्री आपके पास बाहर आया वन अपॉन टू एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टू एक्स माइनस वन, लेकिन क्या बात ध्यान रखनी है वन अपॉन टू एक्स माइनस वन है ये एक्स नहीं है, वन अपॉन एक्स की तरह हमने इसे ट्रीट करा लॉग एक्स इसका इंटीग्रेशन लिया, लेकिन क्योंकि एक्स की जगह पर इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विच इज टू और वो डिवाइड में लिखेंगे राइट, तो ये हमने यहां पर लिखा है नाउ दिस बिकम थ्री बाय टू। अब आपके पास ये जो आई वन की वैल्यू हमने निकाली है इसे हमने यहां सब्सिट्यूट कर दिया, हाफ बाहर चल रहा है हाफ एक्स एज इट इज, हाफ आई वन की वैल्यू यहां पर सब्सिट्यूट हो गई। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे हाफ को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां सिर्फ लॉग एक्स बचेगा दैट इज बिकम थ्री बाय फोर, इसमें से जो पावर थ्री थी हमने यहां पर इसको पावर में चढ़ा दिया राइट। ऐसा आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे हाफ से मल्टीप्लाई करके एज इट इज छोड़ दीजिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी किया होता है तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो आंसर सिर्फ इतना है हाफ एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री बाय फोर लॉग टू एक्स माइनस वन, लेकिन हमने इसको आगे किया है कि जो थ्री पावर है ये इसके ऊपर चली जाएगी क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग ए की पावर बी, बी आगे आ जाता है और अगर ऐसे है तो आप पावर में भी चढ़ा सकते हैं, तो ये थ्री हमने यहां चढ़ा दिया। नाउ आपके पास हाफ मल्टीप्लाई करने के बाद फोर बचा, इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया, फोर एलसीएम आएगा, फोर एलसीएम आने के बाद यहाँ फोर आ जाएगा डियर राइट, यहाँ अगर हम फोर एलसीएम ले लेंगे तो अब ये जो फोर है ये इस पर चला गया तो ये बना लॉग एक्स की पावर फोर, तो यहां से वन बाय फोर हमने कॉमन लिया दिस इज बिकम लॉग एक्स की पावर फोर माइनस लॉग टू एक्स माइनस वन की पावर क्यू, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी प्लस सी, तो दिस इज योर आंसर, आप चाहें तो यहां पर भी ड्रॉप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, एक और क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर, तो देखिए ये आपके पास एग्जाम्पल है खुद से अपने आप में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर की जो पावर है जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो बड़ी है डिनोमिनेटर की पावर से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड कर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाला अंदर राइट और नीचे वाला बाहर आ गया आपके पास। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए और यहां एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब इसका फर्स्ट डिजिट पिक कीजिए, इसका फर्स्ट डिजिट पिक कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा एक्स, तो ये एक्स है क्वेश्चन, एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे, वेरिएबल वाली वेरिएबल के नीचे, साइन चेंज कर दीजिए माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ये से कट गया माइनस प्लस, न्यू साइन देखेंगे हमेशा माइनस प्लस माइनस, तो सिक्स एक्स स्क्वायर में से फाइव एक्स स्क्वायर गया माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास, साइन भी हमेशा बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस टेन एक्स में से सिक्स एक्स गया फोर एक्स और इन दोनों में से साइन बड़े वाले का माइनस टू एज इट इज राइट। अब आपको फिर से ये देखना है, इसका फर्स्ट डिजिट पिक कीजिए, इसका फर्स्ट डिजिट पिक कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा माइनस वन इज योर क्वेश्चन। अब माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, साइन चेंज कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कट रहा आपके पास प्लस माइनस माइनस, फाइव एक्स में से फोर एक्स गया माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास प्लस फोर बचेगा क्योंकि माइनस तो करेंगे हम लेकिन साइन बड़े का लगाएंगे। तो अब आपके पास क्या बताया था, अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे क्यू आर डी दैट मीन्स क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर की फॉर्म में, तो आपके पास क्वेश्चन कितना है
x माइनस वन, रिमाइंडर 4 माइनस एक्स, जो कि माइनस एक्स प्लस 4 था, इसे हमने 4 माइनस एक्स लिख दिया, वन ऑफ द सेम थिंग. डिवाइजर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट. अब इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वन और इसमें हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. यहां पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी है ताकि हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकें, तो x माइनस 3, x माइनस 2 इसके फैक्टर है. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया. x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर? एक्स स्क्वायर अपॉन 2. और यहां पर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास? x. उसके बाद इसे आई वन ले लीजिए, आई वन को अलग से सॉल्व कर लेते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन एड कर लेते हैं, a अपॉन x माइनस 3 एंड b अपॉन x माइनस 2, राइट. उसके बाद इसका एलसीएम आएगा x माइनस 3, x माइनस 2. इसको क्या चाहिए एलसीएम बनाने के लिए? x माइनस 2, तो a को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको x माइनस 3 चाहिए तो इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. फिर x वाली टर्म्स एक तरफ, बिना x वाली टर्म एक तरफ, कंपेयर कर लीजिए. a प्लस बी एक्स का कोफिशियंट है और यहां x का कोफिशियंट कितना है? माइनस 1. तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू माइनस 1. और यहां कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? माइनस 2 है, माइनस 3 भी. और यहां कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? प्लस 4. तो ये कंपेयर करके हमने वैल्यूज निकाल ली. अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर क्या कर सकते हैं? आंसर ए और बी का निकाल सकते हैं. तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी. साइन सिर्फ चेंज करे नहीं, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ए प्लस बी है, सॉरी. तो ये ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 ए, माइनस 3 बी इक्वल टू 4. तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको 1 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 2. और ये आपके पास एज इट इज था. यहां पर आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इससे क्या हो रहा है? कट रहा है, राइट. अब माइनस प्लस माइनस, 3b में से 2b गया, कितना बचेगा आपके पास? b, साइन बढ़ेगा. प्लस 4 माइनस 2, तो ये प्लस 2 बचेगा, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 2. ये b की वैल्यू अगर हम यहां रख दें माइनस 2, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, राइट. दिस इज प्लस 2, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 1. तो अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन था ये हमने कहा था इक्वल है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाकर ए और बी की क्या रख देते हैं? वैल्यू रख देते हैं. रख दी हमने ए और बी की वैल्यू. नाउ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 3, बट क्योंकि एक्स की जगह है तो इसका डेरिवेटिव जरूर लेंगे 1. तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इसके अपॉन में लिखे ना लिखे एक ही बात है. 2 बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस 2, लेकिन इसका डेरिवेटिव जरूर लेंगे 1. कोई दिक्कत नहीं है कि 1 है, लेकिन कुछ और होता तो ध्यान देना. अगर ये 2 माइनस एक्स होता तो माइनस 1 आता, उससे बहुत फर्क पड़ जाता, राइट. अभी जो 2 है इसे हम क्या कर सकते हैं? इसकी पावर चढ़ा देंगे. नाउ दिस इज बिकम लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये बन गया लॉग ए अपॉन बी. तो ये आपके पास आई आंसर चल रहा था, उसमें आई 1 की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, यू गेट एन आंसर. आई होप इन प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्लियर रहा हो. दो क्वेश्चन आपको इन प्रॉपर फ्रैक्शन पे करके दिखाए ना. क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आपके पास नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा कंसेप्ट क्लियर करता है जो डाउटफुल रहता है हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में, ये है. तो इसमें दो टाइप हम आप लोगों को कराएंगे, ध्यान से सुनिएगा. एक टाइप डियर ये है जिसमें सारी टर्म एक्स स्क्वायर में है, आप देख सकते हैं ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर है एक्स स्क्वायर और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जो पावर बन रही है डिनोमिनेटर में, दैट इज एक्स की पावर 4. तो इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सीखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सारी टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वाली है. और एक क्वेश्चन आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सारी टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, ऊपर 2x है. तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? यहां पर आपके पास सभी टर्म एक्स स्क्वायर में है, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नजर आ रहा है. इन दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी है और आरडी में भी आप देख सकते हैं, आपको जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन. तो इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग है डियर. इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, बट इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां नहीं चल रहा. यहां हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए सिर्फ लेट कर रहे हैं वाई. हम यहां पर एग्जैक्ट पुट नहीं कर रहे हैं वाई को, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ज्यूम करके चल रहे हैं ताकि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इजीली सॉल्व हो जाए. हम डीएक्स को डीटी में नहीं बदलने वाले इस क्वेश्चन में, राइट. तो हमने यहां पर क्या किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर को वाई लिखा, वाई प्लस 1, दिस इज वाई प्लस 2, 2y प्लस 1. और इस पोर्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर रहे हैं और हमें कहीं इंटीग्रेशन नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन तो बाहर सॉल्व होती है आपकी, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है. तो आप देख सकते हैं आपने y लेट किया यहां पर 2y प्लस 1. आप ऐसा हर जगह नहीं कर सकते हैं डियर, यहां नहीं होगा ये, राइट. तो यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ बाहर बाहर से सॉल्व करेंगे, जैसे हम इंटीग्रेशन में जाएंगे वापस हम dx पर आ जाएंगे. तो आप देख सकते हैं इसे हमने लिखा a अपॉन y प्लस 2, b अपॉन 2y प्लस 1. नाउ टेक एन एलसीएम,
y plus 2 2y plus 1, तो ये 2y plus 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y plus 2 से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, a से अंदर इंटू करा, y वाली टर्म्स एक तरफ, बिना y वाली टर्म्स एक तरफ, तो y का कोफिशियंट क्या है 2a plus b, और यहाँ y का कोफिशियंट कितना है 1, तो 2a plus b किसके इक्वल हो गया आपके पास 1 के इक्वल, राइट right? और यहाँ पर a प्लस टू भी कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर ये 1 कॉन्स्टेंट है, तो a प्लस टू भी इक्वल टू 1। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व करा तो a की वैल्यू 1 बाय 3 और b की वैल्यू 1 बाय 3 आई। अब आप देख सकते हैं डियर, जैसे ही हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम लोग x पर वापस आ रहे हैं, हम y को नहीं ले सकते। आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप इसे यहाँ y ले लेंगे, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन अभी भी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये dx बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने dx को dy में कन्वर्ट नहीं करा यहां पर, राइट? तो बस हमने सिर्फ a और b की वैल्यू निकालने के लिए इजी तरीका ढूंढा है, नहीं तो हमें इसके लिए लेना पड़ता ax प्लस b और इसके लेना पड़ता cx प्लस d। आपको पता है क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल आ जाते हैं आपके पास। अब ये इजी तरीके से a और b की वैल्यू निकल गई, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर आप देख सकते हैं हम y रख देंगे, y की जगह x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाया, a की वैल्यू निकाली 1 बाय 3, वापस x, y को क्या रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx एज इट इज मेंटेन्ड है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 बाय 3 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट? अब आपके पास ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, यहां से हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहां से कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 को हमने क्या लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर, राइट? दिस इज 1/6। अब यहां पर 1/x² प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, विच इज 1/a tan इनवर्स x/a। सिमिलरली यहां पर भी यही लगी है, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 सही लगा हो, अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा सा अलग है डियर। अब आप यहां देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन, कई बार ये चीज सीखने के बाद स्टूडेंट हर जगह इसको लगाने लग जाते हैं। आपको हम डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं कि ये चीज हर जगह नहीं लगती, ये लगाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहां पर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, राइट? तो इंटीग्रेशन आप y के रिस्पेक्ट में नहीं ले सकते इस पर्टिकुलर टाइप में, राइट? अब आप यहां देखिए, यहां पर आप कह सकते हैं कि वाकई में हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं और dx को dt में बदल दिया जाएगा। यहां हमने लेट करा t को x पर और डेरिवेटिव भी लिया dt अपॉन dx विच इज 2x, और dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 2x, 2x एज इट इज दैट इज बिकम t प्लस 1 t प्लस 2 dt अपॉन 2x। यहां 2x से 2x कट गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है डियर, क्योंकि यहां पर आपके पास t के रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है आपका इंटीग्रेशन, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था, सिर्फ a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे सिंप्लीफाई किया था। तो अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 1, नाउ एलसीएम ले लिया, t प्लस 1 t प्लस 2 एलसीएम आ गया, ये इससे कट जाएगा, इसको t प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे t प्लस 1 से। अगर एलसीएम दोनों का मल्टीपल हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई। नाउ t वाली टर्म एक तरफ कर दी हमने, a प्लस बी, t कॉमन ले लिया 2a प्लस बी। ऑन कंपैरिजन यहां पर t का कोफिशियंट a प्लस बी है, यहां t का कोफिशियंट है ही नहीं, तो उसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म है 2a प्लस बी और यहां कॉन्स्टेंट टर्म क्या चल रही है 1, राइट? आप देख सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करिए, b से भी कट रहा है। माइनस a इक्वल टू माइनस 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। a की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी विच इज माइनस 1। नाउ यू कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप कन्वर्ट कर चुके हैं। देखिए 1/t+1 का इंटीग्रेशन log t+1, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए t के रिस्पेक्ट में विच इज 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर भी सेम log t+2 और नीचे 1, ठीक है? नाउ log a माइनस log b, log a अपॉन b। अब आपका जो क्वेश्चन था वो तो x की टर्म में ही था ना, तो एट लास्ट जो रिजल्ट आया उसके बाद t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए विच इज x² + 1 और नीचे x² + 2। नाउ बेसिक कंसेप्ट हम लोग आपको यही समझाना चाहते थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होती है जब न्यूमिनेटर की जो पावर होती है वो बड़ी होती है या बराबर होती है डिनोमिनेटर की पावर से। फॉर एग्जाम्पल दीज टू इक्वेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विबा क्लासेस।